तीन अगस्त को मेरे पिताजी शकील बदायूं साहब का 102 बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई थी, जो कल उनके जो नॉन फिल्म्स प्राइवेट गजलें के बारे में एक बहुत अच्छा आयोजन हुआ, प्रोग्राम आयोजन हुआ था उनकी नज़में नज़म्स और उनकी प्राइवेट गजल्स गवाई गई हैं। और आज उनके फिल्मों के गीतों के बारे में एक प्रोग्राम होने वाला है शाम को, और उनके जो बहुत सारे गीत जो हैं इनके वो यहाँ के बहुत टैलेंटेड और प्रोफेशनल सिंगर्स पेश करेंगे, तो आप लोग भी आइएगा और जरूर आनंद उठाइएगा। सब धोनी के मेंबर सब मेंबर्स हैं, प्रोमिनेंट मेंबर्स हैं। सर आपने बात की कि आपके पिताजी जो हैं काफी अच्छे गजलकार थे, ठीक है, तो आप में भी ऐसा कुछ शौक है? जी हाँ, शौक तो है बिल्कुल। तो आपने कभी कुछ लिखा है? अगर लिखा है तो उसके मैं जब था और जब शकील साहब की डेथ हुई थी तो 19 साल का था मैं, तो मैंने एक शेर पढ़ा था कि आंखों में नूर दिल में उजाले नहीं रहे, महफिल मिली तो देखने वाले नहीं रहे। तो फिर हमारे पिताजी शकील साहब ने मश्क कराया, बोला बेटा मश्क करो, प्रैक्टिस करो, और ऐसे ठीक किया हमारे वो तलफ्फुज़। तो काफी वो किया करते थे, हमको इनकरेज किया करते थे मेरे वालिद। सर आप नहीं महसूस कर रहे कि भारत में दिन प्रतिदिन जो है ये जो प्रतिभा डूब रही है, कम हो रही है? जी हाँ, हम भी मानते हैं कि आजकल प्रतिभा डूब रही है, तो हम चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम आयोजित हो ताकि उन लोगों को और इनकरेजमेंट मिले, और काफी गजलों की प्रतिभा डूब रही है आजकल के जमाने में, तो हम भी चाहते हैं कि काफी ऐसे ऑर्गेनाइज हो ऐसे प्रोग्राम्स। आपके बेटे की बात की जाए जी, तो क्या वो कर रहे हैं कुछ ऐसा कुछ? हमारा बेटा जिशान जावेद बदायूनी वो ट्रैवल एंड टूरिज्म में है, उसको भी शौक है, बहुत शौक है उनको लिखने का। और हमारी जो सिस्टर हैं रजिया शकील बदायूनी, तो वो भी एक बहुत अच्छी शायरा हैं, मगर कराची में हैं क्योंकि हमारे बचपन से हमारे खाला ने उनको अडॉप्ट किया था, जो कराची में रहती हैं वो, तो वो भी एक बहुत अच्छी शायरा हैं। ऐसे है जी, ये जो फंक्शन है हमारी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ध्वनि एसोसिएशन फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट जो ऑर्गेनाइज कर रही है, इसके साथ हर के गजल टाइम जो एसोसिएटेड है, तो हम लोग साल नजी 2002 से ये काम कर रहे हैं। सो ये जो जी हम कर रहे हैं इस पर प्रोग्राम, ये 3 दिन का जश्न है, ठीक है। शकील साहब जो थे वो हिंदुस्तान के ये अपना अजीम अपना नजी अपना जो राइटर थे शायर थे, जिन्होंने जिनके गीत जो थे, ठीक है, पिक्चर्स में भी गाए गए, लेकिन पिक्चर्स के अलावा जो थी अदब की दुनिया में उनकी गजलें जो हैं वो गाई जाती हैं, मशहूर हैं। जैसे आपने निजी जिक्र किया कि गजल का, तो गजल की दुनिया में सबसे जो मशहूर गजलें हुई हैं उनमें से एक हुई है, ऐ मोहब्बत ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना है, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना है। ये गजल के जो शायर थे, ठीक है, बदायूनी साहब थे। तो कल अपना 3 तारीख को हमने एक इवनिंग जो ऑर्गेनाइज की, वो इवनिंग जो थी उसमें हमने ठीक है शकील साहब की अपना गजलें गाकर कर उनको को जी ट्रिब्यूट दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि अपना कल उस अपना शायर का 102वां अपना जन्मदिन था।
हमारे लिए ये जो चीज़ है बहुत ही ठीक है फख्र की अपना बात है कि इस मौके पर जी उनके ना बेटे और बहू नजी आए हमारे पास लुधियाना में और जो कल की इवनिंग थी उसमें मेरी हिस्सा लिया। नहीं ऐसा नहीं होता, देखिए बात ऐसे है कि जो चेंजिंग टाइम्स हैं उसमें अपना जो तब्दीलियां आनी हैं, ठीक है। आज की जो जिंदगी है भाग दौड़ की जिंदगी है, उसमें कई चीज़ें जो हैं कम हो गई हैं, कई चीज़ें ऐड हो गई हैं। लेकिन ये चीज़ आज भी आप देखेंगे के गज़ल को अपना चाहने वाले, सुनने वाले, लिखने वाले आज भी मौजूद हैं। चाहे जिंदगी की अपना रफ्तार जो तेज हुई है उसमें वो वाली बात नहीं रही पहले वाली कि जिसमें लोगों के पास इतना वक्त था कि वो अपना शाम को अपने ने, ने, ने जो भी थे पैशन थे ठीक है उनके लिए काम करते हैं। आज हर आदमी आधी रात तक नजी आजीविका के लिए काम कर रहे हैं। सर देखिए बात ऐसे, मैं तो क्योंकि गजल सिंगर हूँ तो अपना मेरे को तो जी काफ़ी गजलें अच्छी लगती हैं। हाँ नहीं ऐसा है कि मैं नजी हम लोग एक कॉन्टेक्स्ट में जी बात कर रहे हैं ठीक है। शकील साहब का अपना कॉन्टेक्स्ट है, उनकी अपना गज़ल आपके लिए मैं नजी जी पेश कर रहा हूँ। तो मैं ये गज़ल हल्के से तरन्नुम में आपको अपना नजी जी सुनाऊंगा कि दूर है मंजिल राही मुश्किल आलम है तन्हाई का आज मुझे एहसास हुआ है अपनी शिकस्ता पाई का देख के मुझको दुनिया वाले कहने लगे हैं दीवाना देख के मुझको दुनिया वाले कहने लगे हैं दीवाना आज वहाँ है इश्क जहाँ कुछ खौफ नहीं रुसवाई का। ये गजल मेरे को जी बहुत अच्छी लगती है उनकी, तो मैंने आपके लिए के हल्के तरह। हाँ जी मैसेज जी ये देना चाहूँगा कि ये जो है गीत अपना संगीत शायरी ये हम लोगों को आने वाले वक्त में अपने नए जीवन का नजी हिस्सा ठीक है बनाना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले जो वक्त में ज़िंदगी की भाग दौड़ से बचने का उसके नेगेटिव अपना नजी इफ़ेक्ट से अपना नजी बचने का एक जो अच्छा रास्ता है वो ये है कि हम लोग अपने अपने शौक़ को अपना पैशन को जी फॉलो करें और जैसे हम लोग कर रहे हैं अपना गज़ल में, गज़ल एक जीने का ठीक है ढंग भी है, वो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आपको को जी बताती है, तो वो सारी चीज़ें हमें 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 अडॉप्ट करनी है। तो वो करने के बाद हम लोग अपनी लाइफ को एक हेल्दी लाइफ बना सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, शुक्रिया जी।